वहीं अब खबर झारखंड से, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ करेगी। ईडी की टीम रांची में सीएम आवास पहुंचेगी और कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल जवाब करेगी, जिसको लेकर सीएम आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो वहीं सत्तारूढ़ झामुमो ने भी ईडी की कार्रवाई के विरोध की तैयारी की है। सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी के तहत धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि ईडी सोरेन को 10 बार समन जारी कर चुकी है। इससे पहले सीएम सोरेन मंगलवार को 40 घंटे बाद दिल्ली से अचानक रांची पहुंचे। सोरेन ने दिल्ली से रांची तक सड़क मार्ग के जरिए 1250 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। यहाँ उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेताओं और सहयोगी विधायक से मुलाकात भी की। इस बैठक में सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की भी मौजूदगी रही, हालांकि वे विधायक नहीं है। जेएमएम का कहना है कि बैठक में आगे की रणनीतियों के बारे में चर्चा की गई है। बैठकों में विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार के प्रति एकजुटता जताई है और बिना किसी नाम के समर्थन पत्र भी हस्ताक्षर किए हैं। जानकारी के अनुसार हेमंत की गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की बागडोर सौंपी जाएगी। तो देखिए, झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। और जिस तरीके से 40 घंटे का सस्पेंस कल हमें झारखंड में देखने को मिला था, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जिस तरीके से रांची पहुंचे और उसके बाद जिस तरीके से विधायकों के साथ उन्होंने 2 बार मीटिंग की और लगभग 2.5 घंटे तक की मीटिंग चली, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही थी। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। इसी के मद्देनजर